Good morning, everyone. We are doing division, and in division we have till now done the repeated subtraction method. In today's class we will try to understand what are the properties of division. It means there are sometimes some situations in divisions that we don't need to divide them. We can just find the answer. So by using those properties, what are those important properties? We will try to understand them. First of all, we will start with 5.1 exercise. Question number 3 was left, so we will do this. In this question, आपको करना क्या है? Okay, I am doing here in this document. I have done it by my own because I don't have the clear picture of the book. ठीक है? अगर आपके पास book है, you will find it on page number 77, question number 3, 5.1. ठीक है? अभी dividend आपको given है, division given है, quotient given है. जब भी आपको ये 3 things given होती हैं, तो आपको division fact लिखना है. Now how we will write that. I'm doing A part for you and other two parts B and C you will do by yourself. ठीक है? Now question is, dividend हमें given था 42. ठीक है? Division हमें given है 7 and quotient हमें given है, sorry, division हमें given है 6 and quotient हमें given है 7. तो हमारे पास जो formula होता है, that is always, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम dividend को divide करते हैं, तो we get किससे? डिवीजर से. तो हमें कोशेंट मिलता है. ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना है. तो डिविडेंड क्योंकि 42 है, उसको हमने डिवाइड किया है डिवीजर से. डिवीजर जैसे टीचर, टीच करने वाला टीचर, सिमिलरली डिवाइड करने वाला डिवीजर. सो हमने 6 लिख दिया, देन इक्वल टू हमें क्या मिलता है? कोशेंट मिलता है, दैट इज 7. सो इट मीन्स माई स्टेटमेंट शुड बी 42 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7. सो दिस इज हाउ यू विल राइट दी डिवीजन फैक्ट. नाउ पॉज दिस वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 3 बी एंड सी पार्ट. नाउ वी विल कम टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एक्सरसाइज 5.2. मैं प्रॉपर्टीज आपको अलग से नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू ही प्रॉपर्टीज बताऊंगी एंड यू जस्ट हैव टू फिल दी आंसर्स. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, दिस हेयर आई एम सॉल्विंग ओनली सी एफ एंड एच पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ. सो इट इज़ हम 85 को अगर हम 85 से ही डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, देन वी ऑलवेज गेट 1. ये हमेशा होता है. ठीक है? सिमिलरली अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट दैट नंबर ओनली. तो अगर ये 308 था तो मेरे पास आंसर भी 308 ही होगा. नेक्स्ट थिंग, नाउ इफ 0 इज डिवाइडेड बाय 32, ओके, तो अब 0 को 32 से डिवाइड करना है. जब भी 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ 0 ओनली. हमें सिर्फ 0 ही मिलता है. सो इट मींस चाहे मैं इसको 32 से डिवाइड करूं या किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, आई विल गेट ओनली 0. नाउ यू विल पॉज दिस वीडियो हेयर एंड डू अदर पार्ट्स, दैट इज ए बी डी ई एंड जी पार्ट्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द फॉलोइंग करनी है. ये मैं जस्ट वैसे भी बता सकती हूँ, जैसे आपको एग्जांपल गिवन होगा. दिस इज ऑन पेज नंबर 77. ठीक है? मेरे पास पेज की क्लियर पिक नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ऑन दिस थिंग. ठीक है? वर्ड पे. सो 0 डिवाइडेड बाय 21 मैच्ड विद 0, बिकॉज हम 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं, वी ओनली गेट 0. सिमिलरली 25 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि हम जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट अ 1. सो इट मीन्स इट शुड बी मैच्ड विद 1 ओनली. सो सिमिलरली यू कैन मैच ऑल अदर नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करके फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है. बट दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 78 इन योर बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली लुक एट द पेज नंबर्स एंड देन आई विल शो यू सम पार्ट्स एंड देन अदर पार्ट्स यू विल. सो मैच द फॉलोइंग, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू बाय योर सेल्फ, बिकॉज आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं कि जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट 1. ठीक है? सिमिलरली वही सेम चीज़ है, 17 को 7 से डिवाइड, 17 से ही डिवाइड किया तब भी 1 ही आएगा. 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट अ 0 ओनली. सो मैच द फॉलोइंग, आई थिंक यू ऑल कैन डू. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए पार्ट
मैंने किया हुआ है 33 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक था इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें 1 कब मिलता है, हमें पता है हमें 1 कब मिलता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सी पार्ट में क्या है, हमें आंसर में 0 था, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर वॉज गिवन 36, लेकिन हमें पता है हमें 0 कब मिलता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सो इट मीन्स आई विल गेट अ 0 ओनली। नाउ ई पार्ट में क्या होगा, हमें 85 को डिवाइड करना है और आंसर भी 85 है, हमें वही सेम नंबर कब मिलता है, जब हम उस नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट दैट नंबर ओनली। नाउ यू विल पॉज द वीडियो एंड डू ऑल अदर पार्ट्स रिमेनिंग इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।